Hello guys, this is Kyle Patil. Welcomes you to Digital Eclabva Engineering. आज हम मशीन डिजाइन 2 सब्जेक्ट का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे. आज डिजाइन का पार्ट हम नहीं देखने वाले. हाँ, डिजाइन ऑफ गियर जो फर्स्ट मॉड्यूल है वही स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन डिजाइन का पार्ट नहीं चालू करेंगे. हम फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, मतलब ये रिकैप रहेगा, मतलब जो आपने कॉम सब्जेक्ट में देखा है गियर एंड गियर ट्रेंस. ओके, तो उसी सब्जेक्ट के उसी चैप्टर के जो फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें डिजाइन के लिए लगने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म. ओके, सो डिजाइन ऑफ गियर्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म. सो फर्स्ट टर्म इज सर्कुलर पिच. अभी ये सर्कुलर पिच क्या रहता है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि ये गियर है, मैंने सिर्फ दो टीथ निकाले हैं, ये फर्स्ट टीथ है सेकंड टीथ है. ओके, एंड डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव गियर टीथ. ओके, डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव गियर टीथ. ऐसे नहीं बोला है कि दो गियर के बीच का डिस्टेंस, दो गियर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, ऐसे नहीं है. ये क्या है कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, कंसेक्यूटिव होने चाहिए. लाइक ये गियर पे आपने मिडल पॉइंट लिया, तो सॉरी ये टीथ पे आपने मिडल पॉइंट लिया, तो इस टीथ पे भी आपको मिडल पॉइंट लेना पड़ेगा. और ये दोनों भी टीथ क्या है, कंसेक्यूटिव है, एक के बाद ये दूसरा है, इसके बीच में कोई तीसरा टीथ नहीं है, ये कंसेक्यूटिव टीथ है. अगर आपने यहां पर पॉइंट लिया, इस पॉइंट यहां पर, ये टीथ का ये पॉइंट लिया, तो आपको ये टीथ का ये पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सर्कुलर पिच. सो द डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव गियर टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल. व्हाट इज पिच सर्कल, दैट विल सी, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टर्म, वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं. ओके, सो पीसी इज इक्वल टू पाई डी बाई जेड, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना ही है, मतलब कंपल्सरी ध्यान में रखना है. डी क्या है, तो पिच सर्कल डायमीटर, वो टर्म क्या रहती है हम देखने वाले हैं आगे. जेड नंबर ऑफ टीथ, तो गियर के ऊपर कितने टीथ है. ओके, ये टर्म हमने पहले भी देखी हुई है. नाउ मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई है, तो ये सर्कुलर पिच हो गया, दो टीथ के बीच में का डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव टीथ होने चाहिए, और अगर फर्स्ट पॉइंट आपने मिडल में लिया है इस टीथ के, तो सेकंड टीथ का भी आपको मिडल पॉइंट ही लेना पड़ेगा, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, पीसी, सर्कुलर पिच. ओके, नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम. एक मैंने सिंपल एक टीथ निकाला है, ये गियर है नीचे पूरा ऐसे, उसका एक टीथ निकाला है मैंने. ठीक है, नाउ मैं कुछ टर्म्स लिखने जा रहा हूं इसके ऊपर. ओके, तो फर्स्ट इज अडेंडम एंड डिडेंडम. आपको पता है जो ऊपर वाला ये सेक्शन है उसको हम बोलते हैं अडेंडम, एंड ये नीचे वाला है उसको बोलते हैं डिडेंडम. तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है अडेंडम, एंड ये नीचे वाला जो है वो है डिडेंडम. डिडेंडम, ठीक है. नाउ दिस पार्ट इज नोन एज फेस. यहाँ पे ये जो दूसरा गियर रहेगा इसके ऊपर रहेगा, तो ये दूसरा टीथ रहेगा वो ऐसे इसको यहाँ फेस पर कांटेक्ट में रहता है, तो इसको बोलते हैं हम फेस. और ये नीचे वाला है उसको बोलते हैं हम फ्लैंक. इसको क्या बोलेंगे, फ्लैंक. ये जो है उसको बोलेंगे बॉटम लैंड. बॉटम लैंड, ठीक है. तो इतने टर्म हो गए. ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको हम बोलेंगे टॉप लैंड. ओके, ये बॉटम लैंड हो गया, टॉप लैंड, फेस, फ्लैंक, ये अडेंडम, ये डिडेंडम. ओके, और इसको ही क्या बोलेंगे, ये अगर ऐसे आपने सर्कल ले लिया तो अडेंडम सर्कल. ओके, अडेंडम डाया आप बोल सकते हो, और ये नीचे वाला डिडेंडम डाया. ओके, नाउ जो ये जो विड्थ है यहां से यहां तक, ये जो विड्थ है इसके, इसको हमने फेस बोला है. ओके, तो ये विड्थ को क्या बोलेंगे हम, फेस विड्थ. ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमने पहले भी देखा है कॉम सब्जेक्ट में देखा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज पिच सर्कल डाया. तो पिच सर्कल डाया आपको ये दिख रहा है जो फ्लैंक एंड फेस के बीच से जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिच सर्कल डाया. ये जो डायमीटर है उसको हम बोलेंगे पिच सर्कल डाया. ओके, तो यहां पर कोई तो दूसरा टीथ रहेगा, उसका एक पॉइंट ये ले लिया, तो दूसरे टीथ का भी वही पॉइंट हमें इधर लेना है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर पिच बोलेंगे. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं, दैट इज सेकेंड टर्म.
डायमेट्रल पीच, अभी सर्कुलर पीच है वैसे ही डायमेट्रल पीच है। ओके नाउ देखो पीडी इज इक्वल टू, पीडी इज इक्वल टू, ये पीसी था एंड ये दिस इज पीडी, पीडी इज इक्वल टू जेड बाय टी। ओके तो इसका एक फॉर्मूला है डायमेट्रल पीच का, जेड बाय टी। नाउ अभी देखो, अभी जो ये दो इक्वेशन है इसके ऊपर से हमें एक थर्ड इक्वेशन मिलता है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर d बाय जेड है, यहां पर z बाय टी है। ओके अगर मैं यहां पर ये d नीचे ले लूं, ये d नीचे ले लूं तो वो z बाय डी आ जाएगा, तो हमें मुझे क्या मिलेगा, तो पी सी इज इक्वल टू पाई डी बाय जेड है बराबर, इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं पाई डी बाय जेड बोल सकता हूं। मैंने क्या किया, सिंपली ये d नीचे ले लिया, d नीचे ले लिया वो z के नीचे, सॉरी सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा पाई अपॉन z बाय डी बन जाएगा। नाउ व्हाट इज z बाय डी, z बाय डी इज पी डी, सो ये क्या बन जाएगा पी डी। तो एक आपको रिलेशन मिल जाता है pc इन एंड pd का, सो वी कैन से pc इज इक्वल टू पाई बाय pd, और यू कैन से pd इज इक्वल टू पाई बाय pc। ओके तो ये क्यों इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको ये ध्यान में रखने हैं, ये और ये pc एंड pd। ओके अभी और एक टर्म निकल के आता है यहां से, pd इंटू pc इज इक्वल टू पाई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, pd इंटू pc इज इक्वल टू पाई। ओके नाउ नेक्स्ट टर्म, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके ये इक्वेशन से मैं और एक चीज बता देता हूँ आपको, तो pc क्या है पाई इंटू डी बाय जेड। ओके मैंने पाई बाहर ले लिया, डी बाय जेड रखा है, बट हमें पता है व्हाट इज डी बाय जेड, डी बाय जेड इज कॉल्ड एज मॉड्यूल एम। ओके डी बाय जेड इज कॉल्ड एज मॉड्यूल एम। ओके वेयर एम इज क्या है, वेयर एम इज इक्वल टू मॉड्यूल, तो मॉड्यूल आप बोल सकते हो मॉड्यूल इज अ रेशियो ऑफ पीस सर्कल डाया डिवाइड बाय और पीस सर्कल बाया टू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, जेड क्या है नंबर ऑफ टीथ। ओके सो मैं ये डाल देता हूं यहां पर पाई इंटू एम, ये पाई एम हो गया, तो आपको और एक रिलेशन मिल गया पीसी इज इक्वल टू पाई बाई, इंपॉर्टेंट रिलेशन है पीसी इज इक्वल टू पाई बाय एम। ठीक है नेक्स्ट टर्म है मॉड्यूल एम, तो मैंने पहले ही बोला था इट इज अ रेशियो ऑफ पीच सर्कल डाया टू नंबर ऑफ टीथ, तो डी बाय जेड ही हमने पहले ही देखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है मॉड्यूल एम इज अ रेशियो ऑफ पीच सर्कल डाया टू नंबर ऑफ टीथ दैट इज डी बाय जेड। ओके सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट जेड यहां पर आ गया, तो एम इंटू जेड, एम इंटू जेड इज इक्वल टू पीसीडी, सो डी मीन्स पीसीडी, डी मीन्स क्या है डी मतलब पीच सर्कल डाया, पीसीडी, पीसीडी इज नथिंग बट पीच सर्कल डाया। ओके इज इक्वल टू एम इंटू जेड, एम इज अ मॉड्यूल, जेड इज अ नंबर ऑफ टीथ। ओके नाउ नेक्स्ट टर्म है फेस विड्थ ऑफ द गियर, फेस विड्थ ऑफ द गियर क्या रहता है, तो यहां पर मैंने एक डायग्राम निकाली है, तो ये आपका गियर है, जब आप फ्रंट से देखोगे, जब आप साइड से देखोगे तो उसका कुछ तो विड्थ रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे फेस विड्थ, उसको नोटेशन क्या है पी, तो उसका एक फॉर्मूला है साई टाइम्स ऑफ एम, साई इज ए वन कॉन्स्टेंट, एक्चुअली ये आप अभी ध्यान में रखो, तो व्हाट इज साई, व्हाट इज एम, तो पता है हमें मॉड्यूल, तो साई अलग अलग डायमेंशन पे डिपेंड रहता है और नंबर ऑफ स्टार्स एंड ऑल पे डिपेंड रहता है, लेकिन हमें ये पी एच जी यूज करके निकालना है, तो हमें अभी इसमें कुछ ज्यादा देखना नहीं है, जस्ट आप ध्यान में रखो फेस विड्थ ऑफ द गियर क्या रहते हैं, तो उसका विड्थ रहता है। ओके नेक्स्ट टर्म है, हम टर्म नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे लाइक मेशिंग ऑफ गियर क्या रहता है, मेशिंग मतलब क्या है, मेश होना मतलब एक दूसरे में जुड़ना। ओके और एक दूसरे के साथ पेयर बनाना, तो गियर के टर्म में मेशिंग मतलब क्या है, पेयर बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास दो गियर है, एक छोटा है एक बड़ा है, हमेशा गियर्स पेयर में आते हैं। ओके पेयर रहेगा, एक दो गियर एक साथ रहेंगे, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। ओके ये स्मॉल गियर है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। ओके ये ऐसे शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट के ऊपर गियर माउंटेड रहेगा, ये शाफ्ट है, ये बड़ा वाला गियर माउंटेड है, जो स्मॉल गियर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं पिनियन, उसको हम क्या बोलते हैं पिनियन, एंड बिगर गियर को क्या बोलते हैं व्हील और गियर।
बिगर गियर को क्या बोलेंगे, व्हील और गियर। दो चीजें ध्यान में रखनी है, स्मॉल गियर पिनियन है और जो बड़ा वाला है वो व्हील और गियर है। और जब ये मेश होते हैं एक दूसरे के साथ तब उसके लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, बोथ मस्ट हैव सेम मॉड्यूल। तो एम मॉड्यूल, एम यहाँ का इसका एम और इसका एम, दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। मॉड्यूल क्या रहता है, तो हमने यहाँ पर देखा है डी बाई जेड, डायमीटर पीसीडी अपॉन नंबर ऑफ टीथ, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटरल पीच। तो डायमीटरल पीच का वो क्या रहता है, रेसिप्रोकल रहता है। हमने डायमीटरल पीच का ये देखा था फॉर्मूला, डायमीटरल पीच का फॉर्मूला क्या है, जेड बाई डी, और मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या है, डी बाई जेड। तो इसका क्या है, वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, बोथ मस्ट हैव सेम फेस विड्थ। तो दोनों का फेस विड्थ क्या होना चाहिए, सेम। तो बी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो फेस विड्थ रहता है, ये जो विड्थ है ये सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन है मेशिंग ऑफ गियर्स के। ओके, सो आज हमने कुछ टर्म्स देखे हैं रिगार्डिंग टू डिजाइन ऑफ गियर्स। तो ये फ्यू टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें डिजाइन के लिए लगने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ थोड़े टर्म्स देखेंगे, जैसे कि प्रेशर एंगल क्या होता है, टूथ प्रोफाइल्स क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ओके। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाने वाले हैं, लेकिन डिजाइन के वीडियो थोड़े अलग लेने वाले हैं। जैसे मैं पहले ही लिखता हूँ यहाँ पर डिजाइन के वीडियो, मतलब जब डिजाइन का एक्चुअल पार्ट आएगा तो मैं पहले ही नहीं लिखूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ओके। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे रिवर्ट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।